नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है अधिक मास की पूर्णिमा कब है, उसका स्नान दान मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। अधिक मास में यानी मल मास में पूर्णिमा तिथि कब है? हरि प्रेमियों, भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। पद्य नारद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस महीने के दौरान भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा करने की बात कही गई है। अधिक मास का भी शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि होता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में दान पुण्य ध्यान मंत्र जप और स्नान आदि करना चाहिए और शुभ काम करने से विष्णु जी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए इनकी तिथि जानते हैं कब है। हरि प्रेमियों, इस साल अधिक मास यानी मल मास सावन के महीने में आया है और पंचांग के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा 1 अगस्त 2023 मंगलवार को होगी। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किए जाएंगे। अधिक मास की पूर्णिमा और अमावस्या पर्व मानी जाती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त 2023 को सुबह 3:51 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 2 अगस्त 2023 को प्रातः 12:01 पर इसका समापन हो जाएगा। चंद्रोदय का समय है 7:16 पर। प्रेमियों, अधिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है और हमारी धार्मिक पुराणों की मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है और ग्रह जनित दोष से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास की पूर्णिमा पर चप्पल चावल का दान छाता वस्त्र धन अन्न ये सब दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और श्रेष्ठ भी। मल मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने वालों के घर में हमेशा खुशियों का आगमन होता रहता है और परिवार के हर सदस्य की तरक्की के आगे से रास्ते खुलते रहते हैं। हरि प्रेमियों, आपको पूर्णिमा की ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।